जवान देखी भाई तुमने? यस सर, थोड़ी देर पहले देखी, बहुत ही शानदार। क्या खास लगा? पूरी की पूरी फिल्म ही खास है, स्टोरी लाइन, कहानी, हर एक चीज परफेक्ट है। मतलब ऐसा फिल्म को आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें ओवर जोड़ा गया है, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है कहानी के मामले में, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ लिमिटेड मात्रा में डाली गई है जो कि आपको हजम आसानी से हो जाएगी। हाँ, ये बात सच है कि ये पठान से ज़्यादा अच्छी है, ये बात रियल है, क्योंकि पठान स्टोरी लाइन के मामले में थोड़ा सा वीक थी और ये ज़्यादा अच्छी है, ये बात है। और कुछ लोग सोच रहे थे कि वेस्टर्न कल्चर टाइप थोड़ी उस तरह होगी, ऐसा नहीं है, मिट्टी से जुड़ी हुई है। और जैसे इसका नाम है जवान, तो ये आपको मतलब ये देश के जवान पे, मतलब कि हालांकि ये खाकी वर्दी में रहते हैं और ये इंटरमिशन पे रहते हैं, जिसमें ये विजय सेतुपति को मारने के लिए, पकड़ने के लिए अपना इंटरमिशन रखते हैं, जिसमें एज अ विलन देखने को मिलते हैं। ये VFX कैसा था? पठान से ज़्यादा अच्छा था? पठान से ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इसमें पैसा खर्चा हुआ है ना, बात ये है। गाने का ही बजट 15 करोड़ था, जिंदा बंदा, तो फिल्म का कितना बजट होगा, ये बात तो है। तो इसलिए इस फिल्म का VFX भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और डायरेक्टर जो एडली कुमार, उन्होंने बहुत परफेक्टली डायरेक्ट किया। म्यूजिक बैकग्राउंड कैसा लगा? पठान से ज़्यादा अच्छा था सर की? नहीं, पठान का म्यूजिक बैकग्राउंड या जो थीम सॉन्ग चलता था ना, वो ज़्यादा अच्छा था। बल्कि मैं, आपने जब पठान की बात कर दी, तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस फिल्म के सॉन्ग भी उतने ज़्यादा खास नहीं जितने ज़्यादा अच्छे पठान के थे। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, पठान का म्यूजिक कंपोजर, मतलब जो भी म्यूजिक डायरेक्टर था, विशाल ददलानी सर, तो उसके जितने भी गाने थे वो सभी दमदार थे। इसमें उतने गाने खास नहीं हैं, हालांकि तेलुगु तमिल वालों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये इनको सुन के ऐसा भी लग रहा है कि ये खासकर तेलुगु तमिल वालों के लिए बनाएंगे, उनको हिंदी में डब करके ऐसा दिखाया गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इस मूवी कितने स्टार देंगे 5 में से? 3। ओके सर, थैंक यू।